लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज थर्टीन सी दैट इज एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मेजर एंगल ए बी सी गिवेन इन फिगर ये एंगल नापना है हमें एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी सी हमें एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है डी ई एफ जो ए बी सी के इक्वल हो तो हमें पहले मेजर कर लेते हैं ये कितने डिग्री का एंगल है तो देखिए ये हमारा ये मैंने विदाउट एनी मेजरमेंट एंगल बनाया है ये 44 डिग्री का आ रहा है तो हमें यही सेम एंगल दोबारा बनाना है तो कैसे करेंगे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ये देखिए हमें सिर्फ एंगल मेजर करके बनाना है हमें बी सी और ए बी की लेंथ नहीं मेजर करनी है तो हमने यहां लिखा ई ए पॉइंट और F पॉइंट जहां A पॉइंट है वो एंगल वो D पॉइंट बनेगा हमारा इसलिए मैंने नीचे ई e एफ लिखा है राइट right? अब कैसे बनाएंगे सेम एंगल हम देखिए ये हमने थोड़ा सा बड़ा किया और हमने आप छोटा भी कर सकते हैं कैसे भी कर सकते हैं इसे हमने B पॉइंट पे रखा और एक आर्क ड्रॉ की सेम आर्क हमने ई पे रखा और एक आर्क ड्रॉ की राइट right? अब क्या करेंगे देखिए अब जहां पे ये दोनों लाइंस टच करेंगी देखिए ये अगर देखें तो ये सेम आ रहा है देखिए सेम आ रहा है उसी मेजरमेंट से हम यहां रखेंगे और यहां पे ड्रॉ कर देंगे राइट right? और अब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ई e से जाती हुई और यहां पे हम लिख देंगे ये मान लीजिए ये हमारा डी पॉइंट है और ये हमारा एफ है अब हमें देखना है क्या ये एंगल जितना है फोर्टी फोर डिग्री का क्या ये डीई एफ भी है कि नहीं है तो देखिए ये भी एग्जैक्ट फोर्टी फोर डिग्री का आ रहा है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेम एंगल जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं तो ऐसे ही आपको सेम मेजरमेंट्स लेनी होती है और उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है और अपना एंगल ड्रॉ करना होता है तो दिस इज आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज थर्टीन सी दैट इज एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी सिक्स सेंटीमीटर वो कह रहा है ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि है सिक्स सेंटीमीटर की ये ड्रॉ करनी है सिक्स सेंटीमीटर अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते रहते हैं पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट ए सी इज फोर सेंटीमीटर ये सी पॉइंट ले लिया इस तरीके से कि ए सी हमारा फोर सेंटीमीटर है राइट right? आगे क्या कह रहा है फ्रॉम सी ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी अब हमें यहाँ से सी डी पर बनाना है ए बी पर ये आ गया डी पॉइंट तो कैसे करेंगे सबसे पहले हम अपना ए बी बना लेते हैं सिक्स सेंटीमीटर का तो देखिए ये हमारा ए बी आ गया सिक्स सेंटीमीटर का अब हमें यहाँ पे ए बी लिख देती हूं ए पॉइंट बी पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर का अब हमें सी पॉइंट लेना है जो कि फोर सेंटीमीटर का है देखिए या तो आप कंपस से मार्क कर लीजिए फोर सेंटीमीटर अब मैं इसको कंपस से हल्का सा मार्क कर लेती हूँ तो मुझे पता चल गया ये सी पॉइंट आ गया मेरा यहाँ पे मैंने लिख दिया सी पॉइंट राइट अब हमें क्या बनाना है पर्पेंडिकुलर बनाना है सी डी तो हमने क्या किया ये कंपस लिया अब क्योंकि सी पॉइंट पे बनाना है हमें पर्पेंडिकुलर तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे तो वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा सी पॉइंट पे तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया एक आर्क मारा दूसरा आर्क मारेंगे एक आर्क मारा यहाँ पे और यहाँ से एक आर्क मार देंगे और अब ये सी पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट राइट right? परपेंडिकुलर हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो मैं आपको प्रोटेक्टर से चेक भी करा देती हूँ कि ये 90 डिग्री है कि नहीं है देखिए स्ट्रेट 90 डिग्री है तो हमें पता चल गया कि ये जो डी पॉइंट आया ये सी डी क्या हो गई ए बी पे परपेंडिकुलर हो गई क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाई थी आंसर